स्मार्ट स्कूल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना आतंकवादियों के निशाने पर हैं। रैना ने आतंकवादियों से जान के खतरे की पुष्टि करते हुए कहा कि खुफिया एजेंसियों के माध्यम से उन्हें इनपुट मिला है। हालांकि वे राष्ट्रवाद के अपने एजेंडा पर कायम रहेंगे और आतंकवादियों और अलगाववादियों के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। 73वें और 74वें संशोधन को भी प्रभावी तौर पर लागू किया जाएगा। बारामूला जिला के उड़ी के गांव सलामाबाद से पब्लिक आउटरीच कैंप में मुर्मू ने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थान पंचायतों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा कर मजबूत किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद गुरुवार को संसद पहुंचे और कहा कि सरकार संसद में उनकी आवाज दबा नहीं सकती। उन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा लिया। संसद परिसर में उन्होंने प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन भी किया। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ नहीं बोल रहे। नागरिकता संशोधन विधेयक को मोदी सरकार 9 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश करेगी। शिवसेना द्वारा विधायक का समर्थन किए जाने के संकेत के बाद महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी कांग्रेस एनसीपी शिवसेना गठबंधन में मतभेद नजर आ रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में ये तय किया गया था कि राष्ट्रीय मुद्दे जैसे नागरिकता संशोधन विधेयक पर आम सहमति के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस मामले को लेकर कांग्रेस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने जीडीपी का अनुमान घटा दिया है। रेपो रेट के इस फैसले के अतिरिक्त आरबीआई ने जीडीपी का अनुमान जताया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार साल 2019 और 20 के दौरान जीडीपी में और भी गिरावट आएगी और ये 6.1% से गिरकर 5% तक आ सकती है। इससे अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। ये लगातार 6ठा क्वार्टर है जब जीडीपी में सुस्ती दर्ज की गई। हैदराबाद डॉक्टर कांड को लेकर पूरे देश का खून खोल रहा है, लेकिन विडंबना है कि ऐसा माहौल में भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म और बर्बरता की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ उन्नाव में एक गांव में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िताओं को गुरुवार सुबह 6 युवकों ने पेट्रोल डालकर जला दिया, तो दूसरी ओर मैनपुरी में बदमाशों ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ के बाद उसे जिंदा फंदे पर लटका दिया। इसी तरह से मेरठ में भी हाईवे पर गुरुवार सुबह एक युवती बदहवास हालत में पड़ी मिली। आशंका है कि उसके साथ भी दुष्कर्म की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। सांसदों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि वे संसद की कैंटीन में मिलने वाली खाद्य सब्सिडी का छोड़ देंगे। ये फैसला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सुझाव के बाद लिया गया। बता दें कि सांसदों को संसद की कैंटीन में काफी सस्ती दरों पर खाद्य पदार्थ मिलते थे। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि ग्रुप ए के 96 अधिकारी और ग्रुप बी के 126 अधिकारी समेत 222 सरकारी कर्मचारियों को पिछले 5 साल में रिटायर किया गया है। काम नहीं करने और ईमानदारी नहीं बरतने की वजह से इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बताया कि बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन उत्पीड़न के अपराधों पर रोक के लिए विचार विमर्श करना तथा उपाय सुझाने के लिए उच्च सदन के सदस्यों का बनाया गया एक औपचारिक समूह 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। नायडू ने सदन में कहा कि पोर्नोग्राफी की समस्या पर विचार विमर्श करना तथा इसके हल के उपाय सुझाने के लिए बनाए गए इस समूह में उन्होंने चर्चा कर 1 माह में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा कि मौजूदा समय में कंक्रीट के राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है, जिन पर आने वाले 100 साल में भी गड्ढे नहीं बनेंगे। सदन में सांसदों के प्रश्नों के उत्तर में गडकरी ने यह भी कहा कि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राजमार्गों की रैंकिंग की जा रही है। ये रैंकिंग सड़क सुरक्षा से जुड़े मानकों के आधार पर तैयार होगी। मुंबई की भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कोर्ट ने नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। आर्थिक अपराधी घोषित होने के बाद उसकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई हो सकती है। Smart school.